ॐ प्रियङ्गकलिकश्यामं रूपिणं प्रतिम्बुधं सम्यं सम्यं गुणपीतं तं बुधं प्रणमाम्यहं तं बुधं प्रणमाम्यहं तं बुधं प्रणमाम्यहं। नमस्कार, मुं ज्योतिर्विद पंडित अशोक कुमार महापात्र दूरदृष्टि ओडिया द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राशिफल 2023 कार्यक्रम को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु, नूतन वर्ष आपण मानक पे मंगलमय हेउ। प्रभु जगतनाथ जगन्नाथंकर अपार करुणारु आपणकर प्रत्येक आशा विश्वास पूर्ण हो, समस्त दुख दूर हो, एतिकी कामना करी शुभेच्छा एवं शुभकामना सहित आरंभ करिबा कन्या राशि 2023 वार्षिक भाग्यफल। दर्शक बंधु, कन्या राशि राजा राशि एवं कन्या राशि जातीय प्रत्येक व्यक्ति विशेष बा महिला मानक पाई 2023 वर्ष आपण मानक पाई निश्चित भाव में मध्यम फल प्रदान करुछि। 2022 वर्ष आपण पाई बहुत भल थिला, किंतु 2023 वर्षटी साधारणतः सामान्यतम जोड़ा कि अहेतुक विलंब आपण देखा दबो एवं मध्यम फल प्राप्ति हबो। तथापि वर्ष आरंभर आपणकर पाई प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्यर फल निश्चय रहिछि। शुभ मांगलिक कार्य योगदान स्वरूप आर्थिक कष्ट दूर हे, स्वास्थ्य परिवर्तन आसीबो, दूरे थिबा लोक आपणार हेपरिबे, ज्ञान गोचर बुद्धि सिद्धि क्षेत्र में आपण आहुरी आगुक विपद अग्रसर हेबे एवं विशेषकर पाठ पढ़ुथिबा पिलामानंक पे बहुत बढ़िया मर्यादापूर्ण परिवेश प्राप्ति हेबो। क्यारियर प्रतिष्ठा रे सम्मानित हेबे, दलगत विशेष रे मुख्य भाव रे चयन हेबे। राजनीतिक वातावरण दृष्टि आपणंक पे जोटा कि गोटे मधुरमय मुहूर्त मध्य सृष्टि हो पारे। दलगत विशेष मुख्य भाव चयन हेबे, पारिवारिक स्थिति सुधरी जीव, पितृमातृंकर स्वास्थ्य प्रति परिवर्तनता देखा दबो, भातृ विवादर अवसान घटिबो, जगा जमी भूमि कारोबार सफलता प्राप्ति हेबे, प्रत्येक अधा कार्य पूरा समेत नूतन गृह निर्माण एवं कौनसी नुआ नुआ जोड़ा कि द्रव्य को क्रय करने लगे आपण चेष्टित रहिबे, नूतन व्यवसाय प्रति आग्रह बढ़िबो, प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्य फल सहित बेकारी समस्या दूरभूत हेबो, नूतन कर्मी नियुक्ति जोग अछि एवं शुभ मांगलिक कार्य समेत विवाह बंधन में आप बांधी हेबे, प्रत्येक बेकारी समस्या रक्षा प्राप्ति हेबे, पितृमातृ समस्त आशीर्वाद भाजन हेबे, प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्य फल सहित आसंता 2023 मसीहा एप्रिल मास पर ठारु विशेषकर आपण टिके मध्यम फल देखादेव, प्रत्येक कार्य अधा हेबो, आशा स्वप्न सब विफल हेबो, प्रत्येक चेष्टा मध्य विफल हेबो, क्यारियर प्रतिष्ठा मध्यम फल प्राप्ति हेबे एवं विशेषकर पारिवारिक दुख बढ़िबो एवं पितृमातृंक प्रति मनमालिन्य देखा दबो, स्वास्थ्य जनित समस्या, आर्थिक कष्ट, संचित अर्थ नष्ट, चौर भय, मिथ्या अपवाद, मानहानि को नहीं किसी आपण रिष्ट कष्ट रही, किंतु वर्षर मध्यम भाग आड़ी जुला जुलाई अगस्ट भितर आपण तीर्थाटन देवदर्शन आनंद उल्लास समय सहित किसी थंडा रोग जातीय पीड़ार मध्य आक्रांत हेबे एवं चर्मजातीय रोग आपणकर देखा दबो, मानसिक स्थिति दोहली जीव एवं संचित अर्थ नष्ट हेबो, कहार अनहेलार आपण मध्य शिकार हो पारंते, किंतु वर्षर शेष भाग आड़ी प्रत्येक आशा परिवर्तनता देखा दबो, मान सम्मान जश क्षति वृद्धि घटवा सहित आपणकर जगा जमी भूमि कारबार रे सफलता प्राप्ति हेबो एवं विशेष भाव में जानवाहन क्रय को नहीं मन भितर आशा संचार हेबो एवं बिवादीय जगा विवादीय जमी आपणकर हस्तगत हेबो, प्रत्येक आपसी समाधान मोड आपणको मिलिबो। छात्र छात्री माने परिभ्रमण तीर्थाटन को नहीं सेमाने बहुत उच्च आशा लाभ करिवे एवं पाठ पढ़ा क्षेत्र को नहीं बहुत मान सम्मान अधिकारी हेबे एवं क्यारियर प्रतिष्ठा को ध्यान देबा पे निश्चय चेष्टा करिवे, गुरुजनंकर परामर्श लोड़िबे, प्रत्येक सतर्कता स्वरूप समय जदि काटंती ताहले पाठ क्षेत्र में विपद आगको जीवार कौनसी बाधाबंधन रहिबना। जो मैंने नाट्य चलचित्र फिल्म सीरीयल एवं होटेल रेस्टोरेंट ये सब क्षेत्र में सामिल अच्छा से प्रायतः ए वर्ष मध्यम फल एवं कलकबजा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर में मध्यम फल प्राप्ति जोग अच्छे, किंतु प्रेमिक प्रेमिका मानी मध्यम फल एम जोटा कि संपर्क भितर किसी फाट सृष्टि हो पाए, आत्मीय स्वजन लोक मैंने विरोधाचरण करते। तथापि मोटामोटी भाव में कन्या राशि मध्यम फल प्राप्ति जोग ए वर्षपाई शुभ फल तो ग्रहण करेंगे, किंतु कौन से अशुभत्व रक्षा पाइबा कन्या राशि प्रत्येक व्यक्ति विशेष महिला मैंने वर्ष सारा स्नान पर आपणकर प्रातः स्नान पूर्वक आपणकर लकी कलर है ग्रीन एवं लेमन, यह सब रंगर वस्त्र पोषाक परिधान पूर्वक
ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତ୍ରିପୁରା ଯିଏକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରାଣୀ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲାବେଳେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକ ଛାଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ବିଧବା ଶ୍ରେଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ସେବାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆବଧଳା ଗାଈ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ 2023 ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଦିନଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2023 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି 2023 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।